बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। iPhone 12। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार अर्चना टेलीकॉम में। आज दोस्तों जो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया बहुत खास होने वाला। iPhone 12 है, इसका फ्रंट ग्लास टूटा हुआ, टच इसका प्रॉपर काम कर रहा है। तो भाई बहुत सस्ते रेट में हम करने वाले हैं, बहुत सस्ते रेट में। इससे सस्ता आपको पूरी दिल्ली के अंदर नहीं मिलेगा, पूरे इंडिया में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका ग्लास बहुत सस्ते में चेंज होने वाला है। अगर जिस किसी भाई को अगर कोई भी फोन हो आपके पास, या वीवो हो, एम आई हो, सैमसंग हो, ओप्पो हो, या आईफोन हो, या आई वॉच हो, आई पैड हो, सैमसंग का टैबलेट, एवरी थिंग जो भी हो, अगर आपको उसका डिस्प्ले या टच या ग्लास कुछ भी चेंज करवाना है तो मुझे कॉन्टेक्ट करें और आपका ओरिजिनल काम होगा। बहुत सस्ते रेट पे करने वाला हूँ, बहुत सस्ते रेट में। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इससे ज्यादा भी सस्ता हो सकता है, बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट के साथ। तो प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, तभी आप समझ पाओगे कि मैं इसके अंदर क्या पार्ट चेंज करने वाला हूँ और क्या डालने वाला हूँ। और जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसका फ्रंट ग्लास चेंज होगा वो ओरिजिनल है कि नहीं, उसकी भी आपको क्वालिटी चेक कराऊंगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो आप पूरा देखें और एंड तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बहुत सस्ता होने वाला है काम, बहुत सस्ता। आईफोन 12 का फ्रंट ग्लास आजकल मार्केट में बहुत महंगा महंगा कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत सस्ता चेंज करने वाला हूँ। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को पूरा देखे रहे, और मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूँ कि मेरा वीडियो स्किप ना करें, पूरा देखे। तो शुरू करते हैं, आइए दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करता हूँ मैं, आपके सामने करूंगा एकदम। पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ग्लास की क्वालिटी क्या होती है ओरिजिनल की, वो मैं वीडियो के आपको बीच में दिखाऊंगा कि ग्लास की क्वालिटी क्या है। फोन मैंने पूरा खोल लिया, ओपन कर दिया है, इसका स्पीकर पत्ता भी खोल दिया मैंने, आप देख ही पा रहे होंगे। बाकी शुरू करता हूँ मैं, आपके सामने सारा काम होएगा एकदम लाइव। सिर्फ इसका ग्लास ब्रेक है, ओनली इसका ग्लास चेंज होगा। तो भाई अगर किसी मेरे दोस्त या भाई ने अगर कोई फोन ठीक कराना तो मुझे कॉन्टेक्ट करें, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर एक जगह डले हुए हैं, तो प्लीज कॉन्टैक्ट करें। और कोई भी उसका फोन अगर इस तरीके से ब्रेक हो रहा है, चाहे डिस्प्ले हो, चाहे ग्लास हो, चाहे टच हो, या मतलब एवरीथिंग जो भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वाटर डैमेज भी ओकर बोर्ड हो जाते हैं फोन यहाँ पर। तो आप देखो मैं किस तरीके से इसको कर रहा हूँ, डिस्प्ले आपका वही रहेगा, सिर्फ कांच कांच चेंज हो जाएगा इसका। अगर आप नहीं आ सकते तो मेरे को कोरियर भी करवा सकते हो आप, मेरा एड्रेस डला हुआ है यूट्यूब पर, जो मेरा चैनल है इसको आपको मिल जाएगा। इस तरीके से टेप लगा लेंगे ताकि कांच कांच इसका निकल जाए और अपना डिस्प्ले वहीं रह जाए। इस तरीके से इसको टेप को लगा के इसको जो एक्स्ट्रा टेप है उसको सारी काट लेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने हीट होने के लिए रख दिया है इसको। अब ये आप वायर भी देखिए, जो मेरे दुकानदार भाई है, 0.35 mm की ये वायर है, इससे मैं ग्लास काटता हूँ, एच मॉडल का भी और फ्लैट मॉडल का भी। तो जो मेरे दुकानदार भाई है दूर दूर बैठे हो, उनसे भी मतलब बोल सकते हो, अगर अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी भाई ने फोन ठीक करवाना है तो मुझे कोरियर के जरिए भेज सकता है मुझे, मेरा एड्रेस आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। ग्लास मैंने उतार दिया है, डिस्प्ले मेरी रही, ग्लास मेरा ये रहा, आप देख सकते हो कितने मतलब मात्र मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगा होगा इसको उतारने में।
तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आप समझो। आप किसी भाई का मैसेज आ रहा भैया आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे करते हो, तो भाई आप मेरा एक एक वीडियो देखो, आप ऐसे काम सीख जाओगे। आने की कोई ना लोड नहीं है यहाँ पर भाई, ऐसे नहीं कि हम पैसे ले रहे हैं, ज्यादा पैसे ले रहे हैं। अगर आपको आना तो बहुत कम फीस है मेरी, और आपको सारी नॉलेज दी जाएगी, एज के बारे में, वॉच के बारे में, आईपैड के बारे में, ये जो एप्पल के अपने सारे मॉडल हो गए इनके बारे में सब कुछ बताऊंगा। चाहे फ्लैट एलसीडी हो, चाहे नॉर्मल एलसीडी, चाहे एज ही क्यों ना हो, कोई सी भी एलसीडी हो, मैं आपको उसके बारे में हर एक चीज के बारे में बताऊंगा दोस्त। थोड़ा सा इसके ऊपर टीना डाल देंगे इस तरीके से। मैंने इसका रिंग नहीं काटा है क्योंकि रिंग में इसका ओरिजिनल यूज में लेने वाला हूँ। ओरिजिनल रिंग की फिटिंग बहुत बढ़िया आती है, ऐसी फिटिंग आपको कहीं नहीं मिलेगी इसकी, क्योंकि वो जो लोकल रिंग होते हैं इनके अंदर फिटिंग आ ही नहीं पाती। थोड़ी देर इसको थीनर डालने के बाद गर्म कर लेना है। इसके बाद इस तरीके से इसकी गम को साफ कर देना। देखो बहुत इजीली साफ होती है भाई, कोई भी कर सकता है ग्लास चेंज इसका, बस बंदे को ट्रे के पता होने चाहिए बस, आराम से। और नहीं भी अगर वैसे नहीं कर सकता तो ये मशीन की मदद से ये आप देख सकते हो, इस तरीके से साफ हो जाएगी आपकी सारी गम। भाई मेरा तो यही मोटिव है, लोग जितने भी हैं अपने, जितने मेरे से जुड़े हैं, सारे बंदे काम करें और बढ़िया तरीके से करें। देखो साफ होगी, चेक कर लेते हैं भाई। देख सकते हो सेट मेरा ऑन हो रहा है। डिस्प्ले मैंने विद फ्रेम काटी है, कोई इसका जो ओरिजिनल फ्रेम होता है वो मैंने हटाया नहीं है। बाकी एक बार टच चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चूरा चूरता है इधर से, कोई रिक्स नहीं, सारा रिक्स मेरा मैंने लिया है जिस भाई का ही फ़ोन है। देख सकते हो टच ओक रिबोर्ड है, और बैटरी ऑफ हो गई, चार्ज दिखाते हैं। कहाँ गया चार्ज, बैटरी लो होगी फोन की, माफी चाहता हूँ भाई। ये देखो डिस्प्ले मेरी प्रॉपर आ रही है, ओकर बोर्ड काम कर रही है कोई नहीं, और ये ग्लास ओरिजिनल ग्लास है एकदम, बहुत सस्ते रेट में लगा रहा हूँ, ये बिल्कुल ओरिजिनल ग्लास है, आपको दिखा सकता हूँ। ये देखो बिल्कुल नहीं टूट रहा है ओरिजिनल ग्लास, आईफोन 12 का, बिल्कुल नहीं टूट रहा है, बिल्कुल नहीं टूट रहा है iPhone 12 Pro Max सारे हमारे पास ओरिजिनल ग्लास है, जितना मर्जी आप उनको तोड़ लो बिल्कुल नहीं टूटेगा। तो प्लीज दोस्तों वीडियो मेरा पूरा देखना और लाइक शेयर जरूर करना, और बने रहिए, पूरे वीडियो भी बाकी है, आइए दिखाते हैं आपको। एक ग्लास मैंने लगा दिया है ओरिजिनल, रिंग टू रिंग बिठाना है आपने बिल्कुल। मैं बार बार लोगों को दिखाता हूँ, ब्लैक रबड़ मैंने डबल डबल कर रखी है, हाथ दर्द करने लगे ग्लास में मार मार के। टाइमिंग दिखा दो, बंदे मेरे से अक्सर पूछते हैं भैया आपकी टाइमिंग क्या होती है। भाई साहब आप देख सकते हो जो मैंने हीट कर रखा है इसको 45 से, जो इसका वैक्यूम पंप है उसका 29 सेकंड कर रखा है, जो होल्डिंग टाइम है मतलब प्रेस होगी जो हमारी डिस्प्ले वो 6 सेकंड है, 6 कर लो, 8 कर लो, 10 कर लो, वो आपके हाथ में है। मैं सिर्फ 6 पे रखता हूँ, मैं सिर्फ 6 करता हूँ हमारी डिस्प्ले, चाहे एच मॉडल हो, चाहे अपना आईफोन पेपर डिस्प्ले हो, चाहे पूरा फोन हो, जैसा मर्जी हो, मैं सिर्फ 6 सेकंड इसको प्रेसिंग करता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करता। इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ कि लोड ही नहीं हो, क्योंकि ओसी होता है बहुत हार्ड होता है, चिपक जाता है, बहुत अच्छे से बन जाती है हमारी एलसीडी। बाकी आपको दिखा देता हूँ, 25 हो गए हैं, थोड़ी देर और। एक बार आप देख सकते हो एक बबल नहीं मिलेगा आपको, पंचिंग के अंदर सारे बबल गायब हैं। ये वही ग्लास है और एकदम ओरिजिनल 100%, बहुत बहुत बढ़िया क्वालिटी ग्लास की, ना एक बबल आपको एक भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो जितना आपको मैं दिखा पा रहा हूँ। दिखाओ, एक बबल नहीं मिलेगा, एकदम ओकर बोर्ड,
ग्लास ब्रेक थी, आप देख सकते हो ग्लास इसका बन चुका है, ओरिजिनल ग्लास एकदम अनब्रेकेबल ग्लास है। लो भाई फिनिशिंग चेक कर लो आप, कहीं से कोई बाहर बिल्कुल ग्लास बाहर नहीं है, फिनिशिंग चेक करो। आईफोन 12 था इसका ग्लास चेंज करा था, बहुत सस्ते रेट में करा है, जिसका भी फोन है भाई बहुत सस्ते रेट में है। वो बंदा बहुत दूर से आया था हमारे पास वो। और बाकी अगर आपके पास कोई फ़ोन है जो सैमसंग वीवो ओप्पो एम आई अपना आईफोन आईवॉच या आई और टैब हो गए आईपैड हो गए सैमसंग का टैब हो गए कोई भी मॉडल हो, हम उसका ग्लास हो या टच हो डिस्प्ले हो या कुछ भी हो उसके अंदर दिक्कत, हम आपका बहुत जल्दी रिपेयर करके भेज सकते हैं आपके पास। आप हमें कोरियर भी कर सकते हो, मेरा एड्रेस है यूट्यूब यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक इंस्टाग्राम हर एक जगह मेरा एड्रेस है। बाकी आपने देखा इसका ओरिजिनल ग्लास मैंने किस तरीके से चेंज करा, तो प्लीज़ दोस्तों मेरी सारी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय माता दी।